सो व्हाट इज अप रेंजर सर, कैसे हो आप सब लोग? तो होप करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। सो भाई आज हम देखने वाले यार हैकर्स शोडाउन इस वीडियो में। तो भाई इसमें मैं आपको बताऊंगा यार हैकर्स के करतूत है, भाई कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें करने लग गया यार हैकर्स। मतलब यार ये पहले तो यार अपने नाम रखते थे कुछ ग्रीन, बाकी सब कलर्स में रेनबो कलर कुछ भी रख लेते थे यार। लेकिन भाई अब ये कंटेंट क्रिएटर्स को परेशान कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को परेशान कर रहे हैं यार स्टम्बल गाइस के। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत फ़नी भी है। और भाई मैं दिखाऊंगा यार हैकर्स कितने अब खतरनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई मोड एपी केस की वजह से यार वापस मोड एपी केस आ चुके हैं। और भाई यार मैं आपको लास्ट में इन सभी यूट्यूबर्स के दिखाऊंगा यार रिएक्शन दिखाऊंगा, भाई बहुत फ़नी रिएक्शंस मिले हैं और भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाले वीडियो में। तो भाई प्लीज़ यार जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव था यूट्यूब पे भाई, क्योंकि मैं घूमने गया था यार, इसलिए भाई मेरा चैनल डाउन जाते जा रहा है यार बिल्कुल। यार प्लीज़ ऐसा मत करो यार, अनसब्सक्राइब मत करो। तो चलो यार चलते हैं अपने फर्स्ट वीडियो की ओर, जो कि यार मेरे साथ ही आज ही भाई हुआ है अक्षु की स्ट्रीम पे यार। तो भाई इसमें यार एक ही मैच में दो दो टफ मैन वाइटी थे, दोनों के नाम रेड थे। तो भाई देखते हैं यार कौन असली था और कौन नकली। तो भाई यार जैसे मैच स्टार्ट हुआ तो भाई मेरे को एक टफ मैन वाइटी दिखा, तो भाई मेरे को कोई भी मतलब हैरानी नहीं हुई। लेकिन भाई मेरे को एकदम से यार एक और टफमैन वाइटी दिखा, तो भाई आप देख सकते हो यार ये नूब वाला भी टफमैन वाइटी है और ये जोकर वाला भी टफमैन वाइटी है। तो भाई मैं स्लो मोशन में तो दिखा ही रहा हूँ, लेकिन यार आपको मैं एक और मतलब एक और मैच दिखाऊंगा इसका, ये जोकर जो है उसी का जो कि बॉम्बारमेंट का है। तो भाई हम देखते हैं यार कौन असली है इसमें से टफमैन वाइटी। तो देख सकते हो यार दोनों टफमैन वाइटी यार भाई बहुत ही ज़्यादा एपिक था यार ये। तो एक टफमैन वाइटी के साथ भाई दूसरा टफमैन वाइटी आ गया यार। टफमैन ब्रो अगर जीत जाते ना यार ये वाला मैच तो भाई ओपी हो जाता यार उनके लिए कंटेंट। सो भाई देखते यार अब कौन असली है और कौन नकली। सो भाई यार मेरे लिए तो यार ये बहुत ज़्यादा ईजी है ये पकड़ना, क्योंकि भाई जोकर वाला ही नकली था, क्योंकि भाई आप गेम प्ले देख सकते हो यार उसका, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था। हालांकि टफमैन भाई भी यार अच्छा खेलता है, लेकिन उनसे थोड़ा सा यार प्रो है ये जोकर जो था, क्योंकि ये हैकर था यार। लेकिन भाई नो हेट टू टफमैन ब्रो यार। तो भाई ये जो था ना, मतलब आप बताओ यार कि कमेंट्स में कि कौन सा आपको असली लग रहा था, नूब वाला या जोकर वाला। वो तो यार कल दूध का दूध पानी का पानी होगा जब भाई टफमैन भाई की वीडियो आएगी और हमें उसमें स्किन देखने को मिलेगी। सो भाई देखते हैं यार कौन सी स्किन के साथ वो खेल रहे थे कल। तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये भी। सो भाई यार अब चलते हैं यार वीजी प्रोडक्शन की तरफ। तो भाई वीजी प्रोडक्शन भी भाई बहुत बड़े यूट्यूबर है यार 11.5K के साथ यार। सो भाई इनका भी यार एक हैकर ने नाम रख लिया था वीजी प्रो वाइटी रेड नेम में। तो भाई सब इनको कह रहे थे यार रेड नेम में आपका आ गया आपने। और भाई यार इन्होंने ये जो वो है फोटो वो अपने वीडियो में भी डाला है। तो भाई वीजी प्रोडक्शन का डाल रहा है, लेकिन वीजी प्रोडक्शन का डाल रहा है जो कि वीजी प्रोडक्शन हैकर है। सो भाई यार ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। और भाई ये तो यार ऐसा हो गया कि भाई यूट्यूबर्स को ही अपने हमशक्ल मिल रहे हैं, जैसे कुंभ में बिछड़े भाई मिलते हैं यार एक मैच में। तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ओपी हो गया। तो चलो यार अब चलते हैं ब्लेड वाइटी की तरफ। यार ब्लेड वाइटी के साथ भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम हुआ था और ब्लेड वाइटी ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया। सो चलो यार अब वो भी देख लेते हैं यार। मतलब देखो यार ब्लेड वाइटी के मैच में उसी का हमशक्ल वापस, जैसे विजय प्रोडक्शन टफमैन इन सब का रहा यार, उसका भी आ गया भाई। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी भाई, ये सही खेल रहे हो यार तुम लोग हैकर भाई, ये तो सही काम है भाई तुम्हारा। और ब्लेड भी भाई फुल पंच मार के बदला ले रहा है। और भाई चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बता देना इन तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।